क्लास एंड वेलकम टूर ऑनलाइन क्लासेज आई एम योर साइंस टीचर एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 15 एनवायरमेंट एट स्टेक ओके सो वॉट यू मीन बाय स्टेक स्टेक का मतलब ये होता है कोई चीज़ जो कि खत्म होने वाली है या कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होने वाली है उसके पॉइंट पे है तो वो चीज़ हम स्टेक कहते हैं ओके तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ इन्वायरमेंट आर डैमेजिंग एंड किस तरीके से बिकॉज ऑफ आस और बिकॉज ऑफ ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि इन्वामेंट को डैमेज कर रही हैं ओके सो लेट स्टार्ट सो इन दिस फर्स्ट वील स्टडी अबाउट वॉट इज़ पल्यूशन ओके सो हमारी सोलर सिस्टम में क्या है कि अर्थ जो है इट इज़ दौनली प्लानट और यू कैन सी दैट इट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है ओके इट इज़ द ओनली प्लेस वेर लाइफ एग्जिस्ट ओके okay? एंड जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें हर तरीके की चीज़ें होती हैं दैट इज़ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमन बींग्स कंपेयर विद अदर लिविंग थिंग्स फॉर नेचुरल रिसोर्स एंड स्पेस तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है वो बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ कंपीट करता है uh, जो भी नेचुरल चीज़ें इन्वायरमेंट में मिल रही हैं उसके लिए जो स्पेस है उसके लिए ओके एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ओवर द ईयर्स हैव कॉज सेवेर हार्मफुल चेंजेस टू आर इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज किया है बिकॉज ऑफ सम रीजन ओके एंड नाउ देर इज अ सीरियस डेंजर ऑफ अ परमानेंट चेंज टू द ग्लोबल इन्वायरमेंट ठीक है सो so, क्या हो रहा है कि कांस्टेंट ग्रोथ की वजह से इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड केयरलेस वे ऑफ़ लिविंग बहुत ज़्यादा मेजर जो चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं वो क्या है फर्स्टली आपका क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए फॉर व्हाट फॉर शेल्टर फॉर फैक्ट्रीज फॉर रोड्स ओके okay, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं रोड पे एंड दैट लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स जैसे कि आपका ऑयल हो गया उसकी वजह से आपके जो एयर है इट बिकम्स डर्टी एंड हार्मफुल रिलीज ऑफ गैसेज आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस और क्या हो रहा है आपका जो फ्यूल है वो भी लोगों को चाहिए फ्यूल मतलब क्या फ्यूल मतलब आपका वुड कोल नेचुरल गैस किस लिए चाहिए फॉर कुकिंग एंड बाकी जो आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर दैट ओके एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑफ वेस्ट जो कि क्या कर रहा है जो कि डर्टी कर रहा है या डैमेज कर रहा है आपके लैंड को एयर को और वाटर को ओके सो वॉट इज़ पोल्यूशन इन्वायरमेंट जब बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो जाता है या इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जब गलत चीज़ें हार्मफुल चीज़ें केमिकल गैसेस ये सब जब मिक्स हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूटेड हो गया है ओके मतलब इन्वायरमेंट पे पोल्यूशन आ गया है राइट एंड देर आर फोर मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट इज आपका एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन एक और पोल्यूशन होता है दैट इज अ थर्मल पोल्यूशन बट यू विल स्टडी दैट इन योर हायर क्लासेस ओके सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पोल्यूशन

और क्या हो रहा है जो फैक्ट्री है चिमनी है पावर स्टेशन है या आपके व्हीकल्स हैं वो क्या रिलीज़ कर रही हैं वो स्मोक रिलीज़ कर रही हैं हार्मफुल गैसेस रिलीज़ कर रही हैं एयर में एंड बिकॉज ऑफ़ दैट हमारा एटमोसफियर पल्यूट हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है इन्वामेंट को हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ दैट ओके एंड कॉजेज़ आपके यही हैं सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्री से निकल रहे हैं इट लीड्स टू वॉट इट लीड्स टू एयर पल्यूशन कॉन्क्वेंसेज मैंने आपको बताया ही दैट रिलेट्स टू डिजीजेस अच्छा लंग कैंसर आस्थमा आपके एयर क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है राइट एंड की हेल्थ प्रॉब्लम एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड कैंसर आस्थमा रेस्परेटरी प्रॉब्लम्स हार्ट डिजीजेज बर्थ डिफेक्ट इम्यून सिस्टम भी डैमेज होता है ओके ना लेट्स मूव ऑन टू द वॉटर पोल्यूशन वाटर पल्यूशन क्या है बहुत जब आपके वाटर में कंटामिनेशन हो जाता है दैट लीड्स टू वॉट दैट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ हैं टाउन्स हैं वो क्या करती हैं अपनी गंदगी को कहाँ डिपॉजिट करती हैं या कहाँ निकाल के बाहर करती हैं इन वाटर जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारे प्लांट्स हैं जो हमारे एनिमल्स हैं वाटर में वो सारे डैमेज हो जाते हैं उससे बहुत डिजीज़ होते हैं लाइक कॉलरा मलेरिया टाइफॉइड एक्सेट्रा ओके okay? एंड आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को कि हम रिवर शुड नॉट बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और बेदिंग एनिमल्स आप जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है वो पानी में ना निकालें कहीं और निकालें ओके सो दैट सेवरल वेज इन बाय विच वी कैन जस्ट अवॉइड वाटर पोल्यूशन ओके ना वोट यू मीन बाई लैंड पल्यूशन लैंड पल्यूशन क्या होता है जब हम सॉलिड वेस्ट ओके okay. क्या होता है जो सॉलिड वेस्ट होता है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन क्विकली कॉज दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन दैट इज़ योर लैंड पोल्यूशन ओके एंड लैंड पोल्यूशन इज कॉज जब बहुत ज़्यादा जो मटेरियल्स होते हैं लाइक प्लास्टिक ग्लास बॉटल्स एंड मेटल कंटेनर्स दे आर डम्ड ऑन द लैंड जिसकी वजह से क्या होता है आपका इन्वायरमेंट डैमेज होता है ओके okay? और आपका लैंड डैमेज होता है मेन कॉजेज़ क्या हैं कंस्ट्रक्शन है एग्रीकल्चर है डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ना लेट्स मूव ऑन टू द नॉइज पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन क्या होता है नॉइज पोल्यूशन एक वॉट यू मीन बाई नॉइज नॉइज है इट्स एन अनप्लेजेंट और अनवॉन्टेड साउंड जो आप सुनना नहीं चाहते जो सुनने में अच्छी नहीं लगती दैट इज नोन वॉट दैट इज टर्म्ड एज नॉइज ओके ये आपको अपसेट कर सकती हैं आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब कर सकती हैं आपको प्रिवेंट कर सकती हैं फ्रॉम वॉकिंग एफिशेंटली एंड मेकिंग अस इल ओके एंड सोसिस क्या है नॉइज़ पलूशन के सोसज़ ये हैं कि आपका जो वहीकल्स है लाउड स्पीकर है मशीन है इट लीड्स टू वॉट इट लीड्स टू नॉइज़ पल्यूशन ओके एंड नॉइज़ पोल्यूशन ऑफन लीड्स टू वॉट इफ़ेक्ट क्या है आपका हियरिंग लॉस हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस लीप डिस्टर्बेंस एंड कलर ब्लाइंडनेस Okay, so with this, we have completed our uh, first unit of this chapter, that is your pollution part. We have still left with uh, two more topics that we'll discuss in our next class. Till then, thank you so much, class, and have a good day.